ये नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारा नियंत्रण लंकेश, विनाश के आगमन का संकेत है ये। बस माता है बस, ये मात्र एक तुच्छ वानर की उदंतता है। जैसे देवताओं ने यहाँ पर कुछ शक्तियां प्रदान करके भेजा है। कुछ शक्तियां? नेत्र खोलकर देखो दशानन, यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारा महाशक्तिशाली योद्धा मृत पड़ा हुआ है। और फिर भी तुम सत्य को अस्वीकार कर रहे हो। जम्बूमाली महाशक्तिशाली था, किंतु युद्ध कौशल में निपुण योद्धा नहीं था। रहस्य, कुछ समय पूर्व तुम क्या कह रहे थे? लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहां जाएंगे, उनके मायावी शस्त्रों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा वो धुर। रहस्य, हाँ लंकेश, मेरे पुत्र, मेरे सातों पुत्र प्रतिशोध लेंगे अपनी भ्राता की मृत्यु का। और यही नहीं, उनके साथ पांच युद्ध निपुण सेनापति भी भेजूंगा उनकी सहायता के लिए। अब देखिएगा लंकेश, मेरे पुत्र जम्बूमाली के देह के समीप उस वानर का शव क्षत विक्षत होगा। स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्बूमाली के भ्राता है हम सातों। लंका के प्रधान सेनापति बृहस्थ के पुत्र हैं हम। जम्बूमाली तो नहीं रह जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे। देंगे हम अपने प्रताशी का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कूड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, ओ सात युद्ध निपुण सेनानी, चाही कपी को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बांधे, वज
शेर सो अंग गदा ले कांधे। रण कौशल जब कभी दिखाई, क्षण में सबको धूल चटाई। बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के अंता। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बूमाली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है? मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो देख लिया रावण, अब बताओ अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहाँ से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं, तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है, अब भेजो
किसी महाभट्ट को। तुम महाभट्ट हो, महायोद्धा, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, मेरी बात मान लीजिए। अक्ष कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरे, ऐसा मत कीजिए स्वामी। अक्ष कुमार की आयु तो देखिए, तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरे, अनेक वीर रक्ष योद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको ये। हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते, ये क्या कह रही हैं आप? तीन लोगों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौड़ हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर, जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है, तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। बस! वन वन भटकने वाला वो साधारण नर, उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है। इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार, मेरे पुत्र, और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है। पिता का आदेश है। क्या हुआ त्रिजता, तुमने फिर से कोई स्वप्न देखा क्या? स्वप्न तो नहीं अन्ना, हाँ कुछ आभास हो रहा है। आभास? किंतु कैसा आभास? प्रतीत हो रहा है कि लंकेश वानर को पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण एवं महाबली योद्धा को भेजने वाले हैं। जब तक कोई और महाभट्ट योद्धा ना आए, तब तक क्यों ना इन रसीले फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा ही शांत कर लूं।
प्रतीत हो रहा है इस बार कुछ अत्यधिक ही विचार विमर्श किया जा रहा है, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। अच्छा है, कोई महाभट योद्धा आएगा तो युद्ध करने का भी कुछ आनंद आएगा। चाहे कोई भी योद्धा क्यों ना आ जाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महाबली वानर उसे भी परास्त कर देगा। जैसे विकराल जंबुमाली सेनापति प्रहस्त के आठों पुत्र और लंका के अनेकों सेनापति उस वानर के प्रहार के सामने धराशाही हो गए हैं। श्री राम दूत हनुमान यहाँ से जाने से पूर्व उस राक्षस राज रावण को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास भली भांति करा देना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी पिताश्री, वैसा ही होगा। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए घोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा, और पूरी लंका ये देखेगी यदि लंकेश के विरुद्ध कोई शीश उठाता है तो उनका ये पुत्र अक्ष कुमार उनकी क्या दुर्दशा करता है। वाह पुत्र अक्ष कुमार, वाह, देखा मंदोदरी, ऐसा कहते हैं महाबली पिता का महावीर पुत्र। अब आप भी वीर माता बन जाएं, तिलक लगाएं हमारे पुत्र को। क्यों कांप रहे हैं? अपना मात्र धर्म निभाइए, लंका की महारानी हमारी पटरानी, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए, अन्यथा हम अभी के अभी आपको त्याग देंगे। अशोक वाटिका के फल तो बड़े ही रसीले हैं। कुछ अधिक ही विलंब हो गया, कोई रक्ष योद्धा नहीं आया अभी तक।
ये ध्वनि? अहंकार एवं निस्वार्थ जब व्यक्ति पर हावी होते हैं तो उनका विवेक हर लेते हैं और व्यक्ति से भूल पर भूल करवाते हैं।